नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कल की बैंक निफ्टी की हालत देखिए। कल बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो ऊपर जो ओपन हुआ है वो 22,440 पे और कल का लो लगा है वो 22,780 के आसपास का कल का लो लगा है। तो यहाँ से देखा जाए तो लगभग हम 650 पॉइंट के डाउनफॉल यहाँ पे हम इंट्राडे में आए थे। क्लोजिंग हमारी जरूर 22,000 के ऊपर हो गई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि 22,200 के नीचे हम काफी तेज फास्ट गिरावट आ सकती है 22,100 और 22,000 तक, तो वो टारगेट हमारे अचीव हो गए। और 950 के नीचे मैंने बोला था कि जो भी कैंडल 950 के नीचे बनेगी वो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगी। तो इसने भी जो लो लगाया है कल का वो लगाया है यहाँ पे शायद 700 का लगा, हाँ 784 का यहाँ पे लो लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हम क्लोजिंग हमारी हुई है वो 22,030 के आसपास हुई है। मैं आपको एक चीज बोला था कि 21,900 के नीचे 21,950 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को वीक कर देगी। हम फ्राइडे के सेशन में उस लो को टेस्ट करके आके वापस हमने क्लोजिंग यहाँ पे 22,000 के ऊपर आके हमने क्लोजिंग दे दी है। अब जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि देखिए प्राइस मूवमेंट इसी तरह से होता है। प्राइस मूवमेंट होगा, बड़ी बड़ी कैंडलें बनेंगी, फिर रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर वो नीचे या ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं निकलेगा। तो जब तक आप एक लेवल को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। आप अगर एक व्यू बना के बैठे हुए हैं तो शायद मार्केट आपको जल्दी कुछ नहीं देगा, या फिर हो सके एक दिन दे, दो दिन दे आपको, फिर बाद में क्या होगा, कुछ बड़े कैंडल बन जाएगी अपसाइड की या डाउन साइड की, तो फिर मार्केट क्या होता है कंसोलिडेट करने लगता है। तो इस चीजों का ध्यान में रखिएगा। आपको देखिए प्राइस मूवमेंट यहाँ पे अब नीचे की साइड में हो रही है, कुछ भी एक छोटी सी भी मतलब बेड न्यूज या छोटी सी भी यहाँ पे मार्केट के लिए खराब न्यूज अगर आ गई तो समझ जाइएगा मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, और खास तौर से बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा वीक लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो इस ट्रेंड लाइन को समझिए। देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास फर्स्ट यहाँ पे हम आए, सेकेंड हम यहाँ पे आए टेस्ट किए और ऊपर की तरफ निकल गए, थर्ड टाइम हम यहाँ पे आए टेस्ट किए, हैमर कैंडल बनी और ऊपर की तरफ निकल गए, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ निकल गए। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास अब कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहे थे। अब बच्ची कुछ उम्मीद कल के सेशन पे टिकी हुई है। कल के सेशन में अगर हम वापस 22,520 के ऊपर निकलते हैं तब शायद हम 22,800 और फिर 23,200 की बात करेंगे, या 22,520 के ऊपर जाके हम टिकेंगे और क्लोज करेंगे तब। मान लीजिए कल के सेशन में हम नीचे की तरफ ही क्लोज करते हैं और 21,900 के नीचे, अब देखिए 21,950 वाला लेवल नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं 21,900 का लेवल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो आप लोग पुरानी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़े थोड़े बीच में चेंज होते जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस कैंडल ने जो लो लगा लिया है वो लगा दिया 780 का। तो अब 21,900 के नीचे की क्लोजिंग अब बैंक निफ्टी को सीधा सीधा 21,400 और फिर सीधा 21,000 के पास लेके आएगी। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर 21,900 के नीचे की हम क्लोजिंग दे दिए तो शायद ये जो चीजें बनेगी आपको दो दिन में होती हुई दिखेगी, दो से तीन दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी दिन तक कंसोलिडेट किया है, 7 से 8 दिन तक कंसोलिडेट किया है। तो जो भी रिटर्न उसको देना होगा नीचे की साइड में वो 1 से 2 कैंडल में ही देगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम किसी समय 820 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो 600 से 700 पॉइंट का रिटर्न भी आपको ऊपर की साइड में 1 से 2 दिन में ही देगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्लोज कहाँ पे करते हैं। अगर हम नीचे की साइड में क्लोज कर दें तो समझ जाइएगा एक बड़ी मूवमेंट आपको फिर से 2 दिनों के अंदर में देखने को मिलेगी, और शायद इन 2 दिनों के अंदर में आपके 21,000 के आसपास में बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगा अगर हम 21,900 के नीचे क्लोज करते हैं तब। ये ध्यान से सुनिएगा, 21,900 के नीचे क्लोज करेंगे तब की बात कर रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में देखिए, ये तो देखो डेली चार्ट पे हमें एनालिसिस, अब डेली चार्ट पे ये जो मूविंग एवरेज देखिए, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा है 20 और 30 का, हम कंटिन्यू देखिए इसके 8 से 9 दिनों से कंटिन्यू हम इसके नीचे ही क्लोजिंग देते हुए चले आ रहे हैं, और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी अब अगला रेजिस्टेंस यानी ऊपर की साइड में जो मूवमेंट होगा वो 820 जो लेवल मैं बता रहा हूँ उस लेवल के ऊपर जाने के बाद में ही होगा। हो सकता है कि आपको 100-200 पॉइंट के ऊपर नीचे की मूवमेंट मिल जाए, लेकिन बड़ी मूवमेंट आपको
22,820 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद में ही देखने को मिलेगी। और नीचे की साइड में जैसा कि उन्होंने बताया कि 21,900 के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं तब। अब इंट्राडे के सेटअप में क्या है, मंडे के सेटअप में हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इस बड़ी कैंडल को ध्यान से देखिए, मंडे के फ्राइडे के सेटअप में हम यहाँ से गिरे 200 के पास से और वापस हमने लो लगाया 10 मिनट के अंदर में 780 का, तो लगभग हम यहाँ पे 450-460 पॉइंट का करेक्शन हमने 10 मिनट में दिया। मार्केट यहाँ से रिकवर भी हो गया। देखिए मैंने पहले बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो लर्न टेक्निकल वाले चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो देखिए, इस वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया है काफी अच्छी तरह से, तो वहां जाके आप एक बार देख लीजिएगा। तो मार्केट यहां से रिकवर भी कर गया, मार्केट यहां से फटाक से रिकवर करके वापस जाके क्लोजिंग कर दिया ऊपर की साइड में। अब ये ध्यान रखिएगा कल के सेशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल के सेशन में इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिये मैं पोजिशनल का व्यू मैंने अलग बता दिया, इंट्राडे में क्या है वो ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में अगर हम 21,900 के नीचे जाते हैं, मान लीजिए मार्केट इसी जगह के आसपास या 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन होता है और मार्केट के दौरान यानी डे के दौरान हम 21,900 के लेवल को इंट्राडे के दौरान ब्रेक करते हैं, तो हमारा टारगेट 21,800 और फिर उसके बाद 21,650। देखिए अब अगर हम मंडे के सेशन में थोड़ा सा ऊपर ओपन होते हैं यानी 22,050-22,100 के आसपास ओपन होते हैं और वहां से हम नीचे की तरफ आते हैं और 21,900 को ब्रेक करते हैं, ध्यान रखिए कहाँ के लेवल बता रहा हूँ, 21,900 की बात कर रहा हूँ कि अगर हम 21,900 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम एक मूवमेंट देख सकते हैं आपको 21,800 और उसके बाद 21,650 के टारगेट के लिए हम इंट्राडे में एक जो ट्रेड है वो ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम 21,900 को ब्रेक करते हैं कब, जब हम 22,000 के ऊपर ओपन होंगे तब। ध्यान रखिएगा, देखिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट बहुत है, आप लोग चीजों को समझते नहीं हो, सिर्फ आप ये समझ सुन लेते हो कि 21,900 के नीचे सेल करना, ऐसा नहीं है, ये भी समझो कि कहां पे ओपन होगा तो सेल करना है। अब अगर मान लो हम गैप डाउन ही 21,900 के आसपास कहीं ओपन होते तब क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करेंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे 22,000 के आसपास आता है, 22,020-22,025 जाता है और वापस आके डे के लो को ब्रेक करेगा, तब हम आंख बंद करके वहां पे सेल कर देंगे 50-60 पॉइंट का। आप बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के उसको सेल कर सकते हैं 800 और 650 के टारगेट के लिए। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुए 900 पे और हम ओपन होने के साथ में ही 2-3 मिनट के अंदर में भी 800-700 चले आए, तो शांति से बैठ जाइए, मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए, फिर रेंज के बाद हम उसको ट्रेड करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट करूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारा टेलीग्राम लिंक नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, लगभग 60,000 से ज्यादा मेंबर वहां पे जुड़े हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोदा या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप अपनी ट्रेडिंग वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के साथ ही आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ जाएंगे, सपोर्ट ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको अपना लॉगिन आईडी और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है। व्हाट्सअप नंबर पर जैसे स्क्रीनशॉट आएगा आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सपोर्ट ग्रुप में मैं कुछ वहाँ पर चार्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं, उसे देखकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग सिर्फ एक्टिव ट्रेडर के लिए होगी, वही लोग एलिजिबल होंगे जो एक्टिव ट्रेडर हैं। अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं, आपके पास अकाउंट तो आपने 2-3 महीने पहले से ओपन कर दिया है लेकिन आप वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कहीं और कर रहे होंगे, आप हमारी ट्रेनिंग के एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप भी अगर हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फ्री स्टॉक्स मार्केट की ट्रेनिंग, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, तो उसके लिए आपको एक्टिव ट्रेडर होना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ एक्टिव ट्रेडर ही सीख पाएगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप एक्टिव नहीं है, पेपर ट्रेड करते हो, बैठ के देखते हो, तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, बिना पानी में उतरे बाहर से देख के आप तैरना नहीं सीख सकते हो। तो इसीलिए जो ट्रेनिंग होगी वो एक्टिव ट्रेडर की होगी। तो अगर आपको एलिजिबल होना है, ट्रेनिंग फ्री में चाहिए, तो आप एक्टिव हो जाइए। अगर आपने पहले से भी अकाउंट किया है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आप एक्टिव ट्रेडर हो। तो आप भी अगर 15 अक्टूबर के बैच में आना चाहते हैं तो अभी से फटाफट अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए, तो शायद आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए ये तो हो गया सेल साइड का। अब बाइंग साइड में देखिए, बाइंग साइड में मेरा व्यू तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 21,950 से लेकर के 21,100 ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ से 21,100 से भी 21,200-250 के बीच में मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर होगी। हो सकता है हम बाइंग साइड में बैठ जाए, 40-50 पॉइंट मिले और आपको भागना पड़े, तो उसके लिए मैं इंट्राडे का चार्ट देखूंगा। इंट्राडे के चार्ट में अगर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी तो वो आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर लूँगा, तो
आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करेंगे। पहला देखिए, पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक भी क्या कर रहा है, 5-7 दिनों से एक रेंज बना के इसी जगह पे घूम रहा है। तो इसके लिए जो हायर एंड है यानी ऊपर की रेंज है ऊपर जाने के लिए, वो है 456-457 के ऊपर क्लोज करेगा, तब इसमें शायद आपको एक बार 472 और 480 के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी ये रेंज में है तो देखिये नीचे की साइड में सपोर्ट भी काफी स्ट्रांग है, 400 से लेकर के 420, 425 ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लेना, शॉर्ट करना मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर आप इंट्राडे का व्यू देखना चाहते हैं तो इंट्राडे में मुझे लगता है 435 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो एक बार ये 430 और 424 के लेवल ये दिखा सकता है एक्सिस बैंक। अगला स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक ने 300 के नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो अब इसको हम सेल करेंगे। अगले दिन अगर ये 294 के नीचे ट्रेड करता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 291 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 288 का। तो इस टारगेट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग 298 का रखना पड़ेगा इस कंडीशन में अगर आप सेल करते हैं इसको। तो ऊपर की साइड में मूवमेंट कब होगी, जब ये 315-316 के ऊपर क्लोज करेगा तब। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे छोटा स्टॉक है तो सेल करने की भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास पोजिशन है या इसका स्ट्रांग जो सपोर्ट ढूंढना है तो वो सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा 40 के आसपास पे। फेडरल बैंक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको हैमर कैंडल पे बोला था और यहाँ पे हमने निकल भी गए। अभी ध्यान रखिएगा ये बार बार इसको टेस्ट कर रहा, मतलब ये 50 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर ये 50 के नीचे क्लोज करता है तो फिर इसके टारगेट 46 के टारगेट के लिए आप इसे सेल कर सकते हैं फेडरल बैंक को। एचडीएफसी बैंक देखिए, ये भी ट्रेंड लाइन जैसा बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन बना है, ये भी ट्रेंड लाइन के आसपास ही आके ट्रेड कर रहा है, तो इसके ऊपर डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी का मूव। तो इस पर नजर बना के आप रखिएगा एचडीएफसी बैंक पे। अगर ये 1049 के नीचे ट्रेड करता है तो मुझे लगता है एक इसमें आपको नीचे की साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए होगा इंट्राडे में, तो 1047 के नीचे हम इंट्राडे में सेल करेंगे। पोजिशनली अगर ये 1049 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये वीक हो जाएगा और फिर टारगेट इसके 1020 और फिर 1000 के टारगेट के लिए हम इसे सेल कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 47 के नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट होगा 1040 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 1032 का। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा 1055 का। ICICI बैंक, ये भी ट्रेंड लाइन के पास में ही है, यहीं पे ये घूम रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 360 का। अगर ये 360 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर ये 340 के आसपास में आ सकता है। ऊपर की साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 380 का है, जब 380 के ऊपर क्लोज करे तब हम 392-395 की बात यहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं इस रेंज के अंदर में है तो पहले इस रेंज से बाहर निकलने देते हैं। देखिए इंतजार करना पड़ता है, मार्केट आपको हर दिन हर स्टॉक में मूवमेंट नहीं बनेगी, तो आपको वेट करना पड़ता है अपने लेवल के लिए, तो अपने लेवल का इंतजार करेंगे हम। आईडीएफसी फर्स्ट यहां पर भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 29 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक भी 26 के आसपास तक आ सकता है। और उसके पहले पहले ये ट्रेंड लाइन पे जरा फोकस कीजिएगा आप लोग, ये ट्रेंड लाइन भी 29 के आसपास ही आ रही है। इंडसइंड बैंक, इस पे जो वीकनेस अगर इंडसइंड बैंक में देखना है तो ये 600 के नीचे अगर क्लोज करेगा तब आएगी। तो पहला टारगेट 580 और फिर 560 के टारगेट के लिए आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 600 के नीचे क्लोज करेगा तब। इंट्राडे में इंट्राडे सेटअप पे देख के मैं इसको अपडेट करूंगा आप लोग को। कोटक बैंक, ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो 1300 है इसके नीचे ये क्लोज कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा अब इसका जो 1300 के नीचे क्लोज कर रहा है 1277 पे क्लोजिंग है इसकी। तो इसको अगर आज के लो के नीचे यानी फ्राइडे का जो लो है उसके लो के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर शायद ये इंट्राडे में 35 तक लेवल दिखा सकता है। अगला स्टॉक है आरबीएल बैंक। देखिए आरबीएल बैंक मैं बार बार बोलता हूँ 179 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये 170-172 के पास जरूर आता है, ये इसकी पिछली हिस्ट्री यही बता रही है। तो ध्यान रखिएगा 179 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो नीचे आएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको तब मिलेगी जब ये 191 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। SBI, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 95 के नीचे अगर आप सेल करेंगे तो इसमें आपको 93 और 90 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो वो लेवल यहाँ पे अचीव हो गए। ध्यान रखिएगा 180 से लेकर के 185 एक स्ट्रांग सपोर्ट है SBI के लिए। अब स्ट्रांग जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 204 का वापस स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। तो अब ये दो लेवल है हमारे पास में, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एक स्ट्रांग सपोर्ट। स्ट्रांग रेजिस्टेंस अब बन के आएगा वो 204 का लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 180 से लेकर के 185 के बीच में बनेगा। किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस जगह के आसपास पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रेड करता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।